अरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। और कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये मेरा फैन चल रहा है तो इससे आवाज़ आ रही है, तो मैं इसको स्लो कर देती हूँ क्योंकि इससे डिस्टरबेंस होती है थोड़ी सी, आवाज़ में आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है। तो फ्रेंड, आज जो है मुझे जो है आज मैंने एक एक्सपीरियंस लिया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी वो एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। अक्सर फ्रेंड क्या होता है कि इस समय जो सावन का महीना चल रहा है, मेरा बेटा गया हुआ है कांवड़ लेने, ठीक है। तो उस समय में हमारे यहाँ हिंदुओं के यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं। जब बच्चे कांवड़ लेने के लिए जाते हैं ना, तो कुछ रूल्स होते हैं घर में खाने पीने के जैसे सब्जी को नहीं छोंक सकते, रोटी को नहीं सेक सकते, तवे पे नहीं डाल सकते गर्म तवे पे। तो मैंने मतलब अपने सासू माँ के समय से ही ये देखा था, शुरू से ये देखती आ रही हूँ कि जैसे कांवड़ लेने घर से कोई जाता है तो खाने पीने का थोड़ा सा परहेज होता है, और उन दिनों 4-5 दिन बहुत मुश्किल से कटते हैं लोगों के, क्योंकि बेस्वाद खाना लगता है, उबला हुआ खाना खाते हैं हम। और चलो हम तो एक बार को खा भी लेते हैं, बड़े तो एडजस्ट कर भी लेते हैं अपने बच्चे के लिए, लेकिन जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं या थोड़े बड़े होते हैं, जेंट्स वगैरह होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए आज मैंने जो है एक एक्सपीरियंस करा अपने घर में, क्योंकि मेरा बेटा भी गया हुआ है कांवड़ लेने के लिए, और वो 3-4 दिन हो गए उसको गए हुए, और वो आएगा कल, कल सुबह आएगा। तो 3-4 दिन से खाने में थोड़ी हमें भी दिक्कत हो रही है, हम भी थोड़ी मतलब ऐसे उबाल उबाल के खा रहे हैं, नहीं तो बाहर से मंगा लेते हैं, क्योंकि बेटी साथ में तो वो नहीं खा पाती, हम तो खा लेते हैं, वो नहीं खा पाती है। तो आज मैंने क्या करा, मैंने एक सब्जी शेयर करी रात को। तो हमने क्या करा था कि आलू उबाल के मैंने, क्योंकि बारिश बहुत तेज आ गई थी और बाहर से भी कुछ नहीं ला सकते थे, तो मैंने आलू उबाल के और जो है उसको रोटी में, उसकी जैसे पराठा बनाते हैं ना, तो पराठा तो बना नहीं सकते ना, तला हुआ नहीं बना सकते, सब्जी भी नहीं छोंक सकते और गर्म तवे पर रोटी भी नहीं डाल सकते, तो कुछ परहेज होते हैं हमारे यहाँ। तो उस वजह से रात को तो मैंने बना लिया था आलू भर के, जैसे पराठा बनाते हैं तो उसकी मैंने रोटी बना ली थी ठंडे तवे पर डालकर। तो अब जो है मैं और मेरी बेटी थे, तो मैंने आलू रखे हुए थे दो, तो मैंने क्या करा, मैंने बनाई सब्जी। तो मैंने किस तरह से बनाई मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आपको कभी कोई ऐसी मतलब परेशानी आए या ऐसा मौका आए आपके आपके जीवन में आपके लिए, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करा। तो देखिए फ्रेंड, ये मैंने बनाई है आलू टमाटर की, और मैंने ये कैसे बनाई है देखिए, कितनी बढ़िया सब्जी बन रही है ये, और मैंने इसको बिल्कुल भी छोंका नहीं है सब्जी को, ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बन रही है, अभी ये उबल रही है। तो मैंने क्या करा, एक आलू रखा हुआ था, जैसे बड़ा आलू होता है ना और उसको बीच में से कट करके उबाल लेते हैं, तो मेरा एक आलू रखा हुआ था रात को, मैंने जो आलू की रोटी बनाई थी तो वो रखा हुआ था। तो मैंने क्या करा, उस आलू की सब्जी बनाई है। मैंने एक छोटा टमाटर लिया, और उसको जो टमाटर मैं डालती हूँ सब्जी में, वो हमेशा मैं कद्दूकस करके डालती हूँ, इससे कद्दूकस करके, या फिर मिक्सी में पीस लेती हूँ। तो मिक्सी में मैंने इसलिए नहीं पीसा क्योंकि वो छोटा सा था तो वो पीस भी नहीं पाता मिक्सी में, तो मैंने क्या करा कद्दूकस कर लिया उसको। और मैंने क्या करा, इस वाले फ्राई पिन में जो है मैंने ठंडे में ही उस टमाटर को कस के डाल दिया, और फिर उसके ऊपर मैंने डाल दिया देसी घी। पहले उसको अच्छी तरीके से पका लिया टमाटर को, थोड़ा सा पानी डाल के, और उसमें फिर मैंने डाल दिया 1 चम्मच भर के देसी घी, और फिर मसाले डाल दिए, नमक मिर्च धनिया और हल्दी भी मैंने बहुत थोड़ी सी डाली थी, ये सब चीज़ें मसाले डाल दिए मैंने। और जो है अब इसको पकने के लिए रख दिया है, ये देखिए सब्जी देखो कितनी बढ़िया तैयार हो रही है मेरी। और किसी दिन अगली वीडियो में मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी आपको शेयर करूंगी, उसकी वीडियो स्पेशल बनाऊंगी सब्जी की और आपको दिखाऊंगी। अगर आप मुझे कमेंट द्वारा बताइए कि मेरे बन रहे हैं राइस, उसमें सीटी आ गई है, तो मैंने उबाल के ही राइस बनाए हैं, ये कुकर पे राइस बनते हैं मेरे। तो फ्रेंड ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बन रही है मेरी, बनकर तैयार हो गई है, और इसे कोई कह भी नहीं सकता कि जो है मैंने ये छोंकी नहीं है। ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बनी है मेरी, और अगर आप चाहें तो ऐसी बना सकते हैं, कोई इसको कह नहीं सकता कि ये मैंने छोंक के नहीं बनाई है सब्जी,
ये मैंने बिना छोकी हुई उबली हुई सब्जी है। तो फ्रेंड ये मैंने बनाया आज का खाना अपने लिए लंच में। और देखिए ये मेरे जो कान्हा है इनको मैंने लगा दिया आज केले का भोग, तो आज ये खाएंगे केला, ये बैठे हुए मेरे कान्हा जी दोनों। तो मैं इनको यहीं पे ही एसी में बिठा के रखती हूँ, हमारे साथ ही रहते हैं ये। तो मेरे कान्हा जी के दर्शन कर लो आप भी। और ये है इनका भोग, और इसमें भी इनका रखा हुआ है, ये रखा हुआ है इसमें भी इनका भोग, तो ये खाते रहेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए ये हमारा हो गया है लंच तैयार, ये है सब्जी, और देखो कितनी अच्छी टेस्टी सब्जी बनी है। और मैं क्या करती हूँ फ्रेंड, मैं जो है ना जीरा भून के रखती हूँ क्योंकि मुझे रायते में डालना होता है, और ये रायता है और ये है राइस। तो मैं क्या करती हूँ जीरे को भून के इकट्ठा ही थोड़ा सा रख लेती हूँ ताकि मुझे रायते में तुरंत ही भूनना ना पड़े। तो ये जीरा मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने क्या करा उसमें भुना हुआ जो जीरा रखा हुआ था मैंने जब डाला था मसाले डाले थे उसी के साथ में मैंने जो है भुना हुआ जीरा भी डाल दिया था ताकि जो है सब्जी वैसी ना लगे, क्योंकि जीरे से सब्जी थोड़ा सा अच्छी लगती है। तो इसके अंदर सब चीज़ें, और देखो कितनी टेस्टी सब्जी लग रही है फ्रेंड। और ये है मेरी बेटी के लिए राइस रायता, और ये आलू टमाटर की सब्जी, और अब ये खाना जा रहा है मेरी बेटी के लिए। तो देखिए मैंने मतलब कितनी मतलब कम समय में और कितने मतलब आसान तरीके से ये सब्जी बना दी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो अब ये खाना जा रहा है मेरी बेटी के लिए। और कान्हा जी को तो मैंने आज अपने लगा दिया है फल का भोग, तो उनको मैंने फल का लगा दिया क्योंकि जो मैंने ये जो आलू की टमाटर की सब्जी बनाई थी ये बनाई थी मैंने, रात के आलू रखे हुए थे और मैं उनको बासी खाने का भोग नहीं लगा सकती थी, तो उनको मैंने फल का भोग लगा दिया है। तो फ्रेंड ये है हमारा आज का लंच, ये देखिए, और आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना, ठीक है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है ये। तो फ्रेंड यार मैंने छोटी सी वीडियो स्पेशल बनाई थी आप लोगों के लिए ताकि जो है आप लोगों को पता चल सके, और आपको कभी ऐसी कोई आपके सामने ऐसी कोई समस्या आए या ऐसा कोई मौका आए तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं इसकी एक वीडियो अलग से भी बना के आपको जो है आपके लिए बना दूंगी और शेयर कर दूंगी आपको। तो फ्रेंड ये मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो है मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। तो मैं मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।